हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज़ महिंद्रा एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज टैक्स सेंटर एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रिवाइज नाउ सीएमए इंटर का टैक्सेशन का रिविजन स्टार्ट करते हैं आज से आज जो चैप्टर वन आपका स्टडी नोट वन दिया हुआ है ना लगभग लगभग थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनट्स में मैं रिवाइज करवाने का आपको ट्राई करूँगा आपको क्या करना है आपको बहुत ही सिंपल काम करना है सर नोट्स कहाँ से लाओगे नोट्स आपका सी का स्टडी मटेरियल है वही रहेगा बिकॉज जब मैं पढ़ता था तो मैं सोचता था काश यार मॉड्यूल से कोई पढ़ा दे तो मजा आ जाए करेक्ट है। क्योंकि मॉड्यूल में वही तो एग्जाम में आएगा एज इट इज़ करेक्ट है तो मॉड्यूल से डायरेक्ट रिवीजन करेंगे स्टडी नोट वन आज का टारगेट रहेगा सर आप हो कौन पहले ये तो बताओ बाई प्रोफेशन आई एम चार्ट अकाउंटेंट तो भाई आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है टैक्स का हर लेवल पर एग्जामिशन आया है टैक्स सेंटर इंस्टाग्राम जाके चेक कर सकते हो आपको पता रहेगा तीन चार साल से इस सीख पर काम कर रहा हूँ तो मज़ा आ जाएगा आपको अच्छे से आपको ध्यान से ईयरफोन लगा के क्या करना है लेक्चर को सुनना है और आपको कुछ नहीं करना कुछ नहीं सोचना बाय द कंप्लीस ऑफ लेक्चर आप हर एक क्वेश्चन सोल्व करने के काबिल बन जाओगे कोई डाउट आता है कमेंट कीजिए मैं रिप्लाई करूंगा या फिर इंस्टाग्राम के डीएम पे आ जाइए मैसेज कीजिए मैं इंस्टाग्राम पे आपको रिप्लाई कर देता हूँ कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है आ, ये हो गया वीडियो को आपको क्या करना है लाइक करना है उसका रीज़न है मैंने इनकम टैक्स का एक मैराथन ट्वेंटी आवर्स का डाला था फॉर सी इंटर एग्ज़ाम के टाइम बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसा कमेंट कर रहे थे सर सरकार से पहले पता चल जाता तो मज़ा आ जाता बट वो क्या होता है यूट्यूब का एल्गोरिदम ही ऐसा है कि जितने ज़्यादा लाइक like रहेंगे ऑब्वियस ही बात है उतना ज़्यादा प्रमोट करता है उसको तो आपको क्या करना है लाइक like कर देना है आ, और आप पूरा देखोगे मुझे मज़ा आ जाएगा आपको ठीक है चलो चलो टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ बिल्कुल और स्टार्ट करते हैं मैं डेस्कटॉप पर आ जाता हूँ अपने और पढ़ाना स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल से लाइन बाई लाइन हाँ तो फ्रेंड्स चलो स्टार्ट करते हैं जैसे मैंने बताया आपका सिलेबस देखते हैं और उसके बाद फटाफट फटाफट रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट टैक्स का और आज का टारगेट है आपका स्टडी नोट नंबर वन करेक्ट है आपको क्या करना है आपको कुछ नहीं करना आपको सिंसियरली ईयरफोन लगा के ये आपको क्या करना है आपको एकदम मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लो उतना बहुत काफ़ी है आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ये मेरा गारंटी है बस आपको आपका लाइन बाय लाइन कवर होगा आपको ज्ञान नहीं देना चाहता फटाफट समझो देखो आपके तीन पार्ट डायरेक्ट टैक्स में किए हुए हैं आपके मॉड्यूल ने सबसे पहले बेसिक्स वाला पार्ट किया है जिसमें आपको दस का कवरेज रहेगा मतलब हंड्रेड में से दस मार्क्स आएगा फिर हेड्स ऑफ इनकम एंड कम्प्यूटर सत्तर मार्क्स का आएगा और टैक्स मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह मिला के ट्वेंटी एक दो दिन में ये वाला कवर करेंगे फिर हेड्स वगैरह सब अपने क्लास में अच्छे से हर चीज़ हम लोग ने करके रखी है कोई दिक्कत की बात नहीं है अभी हम क्या करने वाले हैं फटाफट फटाफट उसका रिविजन करने वाले हैं ठीक है ऐसे स्ट्रेटजी वगैरह क्या है यह सब एक बार रीड कर लेना आप अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो सेक्शन वन ए में जो बेसिक्स है उसमें क्या है एक तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का इंट्रोडक्शन है और आपका इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम वाला पार्ट है ठीक है इसमें सिर्फ दो टॉपिक दिए हुए हैं आपको एक एग्रीकल्चर इनकम और कुछ और छोटे मोटे पॉइंट है ये सब छोड़ते हुए हम सीधा स्टडी नोट नंबर वन की तरफ आगे बढ़ते हैं ताकि इसमें टाइम वेस्ट ना हो यहाँ पे इंडेक्स वगैरह है जो आप एक बार देख सकते हो अभी तक पता ही होगा अभी आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो स्टार्ट करते हैं सीधा सीधा स्टडी नोट नंबर वन के ऊपर जो कि है इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स एक्ट आपको अमेंडमेंट वगैरह सर क्या होते हैं वो सब हमें नहीं पता आपको कोई ध्यान रखने की अभी जरूरत नहीं है यहां पे मतलब ध्यान रखने की जरूरत होती है अगर आप ये रिविजन देख रहे हो पूरा पूरा अच्छे से ध्यान से तो यहाँ पे सब अमेंडमेंट जो है वो कवर हो जाएंगे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में तो इंट्रोडक्शन क्या होता है टैक्स का मतलब क्या होता है सर टैक्स का मतलब बड़ा ही सिंपल होता है क्या सर टैक्स का मतलब क्या होता है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रेवेन्यू है लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सपेंस है गवर्नमेंट लोगों से क्या करती है टैक्स को कलेक्ट करती है क्यों टैक्स को सर कलेक्ट किया जाता है ताकि सोशल वेलफेयर के कुछ खर्चे हैं वो पूरे किए जा सकते हैं कैसे खर्चे है, सर रोड बनाना सर स्कूल बनाना हॉस्पिटल बनाना टॉयलेट्स बनाना स्वच्छ भारत बहुत सारे खर्चे हैं करेक्ट है तो उसके लिए अभी आप बोलोगे सर कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता भाई उनसे पूछो जिनके पास प्राइवेट स्कूल को पेमेंट करने के फीस भरने के पैसे नहीं है उनके लिए गवर्नमेंट स्कूल कितनी हेल्पफुल होती है लोग ऐसे बहुत सारे बोलते हैं ना कि सर उधर मिलता ही क्या क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता ही जिसके पास पैसे नहीं है उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज है भाई तो ठीक है अपने को वो चीज़ में नहीं पढ़ना, पर गवर्नमेंट ये पैसे लेके क्या करती है ये सोशल वेलफेयर के खर्चे को पूरा करती है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है सर डायरेक्ट टैक्स का मतलब बड़ा ही सिंपल होता है जो पर्सन इनकम कमा रहा है वो डायरेक्टली क्या करता है टैक्स भर देता है गवर्नमेंट को तो सर इनडायरेक्ट टैक्स में वो इनडायरेक्टली भरता है क्या हाँ बिल्कुल इनडायरेक्टली भरता है सर डिफरेंस क्या है डिफरेंस एक वर्ड का है बर्डन टू शिफ्ट टैक्स क्या मैं बोल रहा हूँ बर्डन टू शिफ्ट टैक्स इसका मतलब क्या है सर बताता हूँ अगर मैं कहीं पर जॉब पर जाता हूँ और मेरा सैलरी है मंथली वन लाख रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल ईयरली ट्वेल्व लाख रुपीज़ मेरा सैलरी बनता है बन गया सर अभी ये ट्वेल्व लाख रुपीज के ऊपर मैं क्या करूंगा इनकम टैक्स पे करूंगा इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है तो मैं जो हूं मैं ट्वेल्व लाख पे मैं खुद ही क्या करने वाला हूं डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स भरने वाला हूं पर इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा कंसेप्ट नहीं है इनडायरेक्ट टैक्स सर कैसा कंसेप्ट है आप डेयरी मिल्क सिल्क लेने गए फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड रुपीज की कोई भी शॉप पे जनरल स्टोर पे जब आप वो सौ रुपए का पेमेंट कर रहे हो ना तो उसमें आप टैक्स के कंपोनेंट का भी पेमेंट वो कर रहे हो शॉप वाले को और शॉप वाला क्या करेगा वो टैक्स को गवर्नमेंट को आगे जमा करवाएगा डायरेक्ट टैक्स में क्या था आपने ही खुद ने क्या कर दिया गवर्नमेंट को जमा करा दिया इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं हुआ इनडायरेक्ट टैक्स में, इन में आपने शॉपकीपर को दिया शॉपकीपर ने गवर्नमेंट को दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका था शॉपकीपर का था गवर्नमेंट को टैक्स भरने का पर उसने क्या किया आपसे टैक्स कलेक्ट किया और गवर्नमेंट को जमा किया तो जो टैक्स भरने का बर्डन था वो शॉपकीपर ने शिफ्ट कर दिया किसकी तरफ आपकी तरफ सिंपल है यस yes सर जो कि डायरेक्ट टैक्स में नहीं हो पा रहा था तो डायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस जो है और इम्पैक्ट जो है वो सेम पर्सन के ऊपर होता है पर इनडायरेक्ट टैक्स में दो अलग अलग लोगों के ऊपर होता है जो मैंने आपको एग्जांपल दिया सेकंड जो एस है वो खुद ही टैक्स को बियर करेगा और जमा करा देगा पर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा यहाँ पर क्या होगा बर्डन शिफ्ट हो जाएगा मतलब पास हो जाएगा एक ही बात है ये इनकम के ऊपर डायरेक्ट टैक्स लेवी होगा मतलब बेसिकली यहाँ इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं Uh, पहले एक वेल्थ टैक्स भी हुआ करता था नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई तो डायरेक्टली उन्होंने फर्स्ट ही बजट में उसको अबॉयलिश कर दिया था 2014 के टाइम पे वेल्थ टैक्स में तो जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कुछ टैक्स लगता था अभी अपने को कोई जानने की जरूरत नहीं है फिर दूसरा है जीएसटी जो है आ, ये गु... इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली जो है वो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लेवी होगा इसका एग्जांपल है इनकम टैक्स इसका एग्जांपल है जीएसटी और कस्टम ड्यूटी और ये जो डायरेक्ट टैक्स है प्रोग्रेसिव नेचर का है सर ये प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब क्या होता है जरा एक बार बताओगे देखो प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होगा जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा उतना आपके ऊपर टैक्स बढ़ेगा अगर आपका इनकम साल का दस लाख है तो आपके ऊपर रिस्पेक्टिव अमाउंट का टैक्स आएगा पर अगर आपका इनकम पचास लाख है तो उसके ऊपर अलग टैक्स आएगा ज्यादा टैक्स आएगा करेक्ट है पर ये जो है इनडायरेक्ट टैक्स वो रिग्रेसिव नेचर का है रिग्रेसिव का मतलब क्या है अगर मैं भी डेरी मिल्क सिल्क लेने जाऊंगा तो उतना ही टैक्स कंपोनेंट जमा कराऊंगा और मुकेश अंबानी भी अगर डेरी मिल्क सिल्क लेने जाएगा तो वो उतना ही टैक्स कंपोनेंट जमा कराएगा कुछ अलग नहीं होगा सेम ही टैक्स कंपोनेंट होगा ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर देखो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात करूं तो मैं यहां से आपको फटा बता देता हूं तीन तर, देखो सबसे पहले एक आर्टिकल 265 होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर टू क्या बोलता है इंडिया में कोई भी टैक्स नहीं लगा सकता इंडिया में कोई भी टैक्स नहीं लगा सकता एक्सेप्ट जिसको लॉ ने अथॉरिटी दिया है सिर्फ वही लगा सकता है इंडिया में कोई टैक्स नहीं लगा सकता ऐसा क्यों बोला पहले वो आपको पता है वो जमींदार वगैरह रहते थे वो किसानों को लूटते थे ऐसा सब मूवी में बताते ना कोई भी टैक्स ले रहा था तो गवर्नमेंट ने बोला कोई टैक्स नहीं लेगा वही लेगा जिसको गवर्नमेंट ने क्या किया लॉ ने अथोराइज़ किया लॉ ने किसको अथोराइज़ किया तीन लोगों को अथोराइज़ किया है आर्टिकल नंबर टू फोर्टी सिक्स का सेवंथ शेड्यूल याद करो क्लास में चिल्ला चिल्ला के बताया था सेवन्थ शेड्यूल में लिस्ट दी हुई है तीन लिस्ट दी है यूनियन लिस्ट दी हुई है सेकंड स्टेट लिस्ट दी हुई है थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट दी हुई है इसको लिस्ट वन बोला जाता है इसको टू बोला जाता है इसको थ्री बोला जाता है टू मतलब ऐसा टू और थ्री मतलब ऐसा थ्री ठीक है सर आर्टिकल 246 का सेवन शेड्यूल क्या बोलता है सर ये क्या बताने की जरूरत है मैंने पहला पॉइंट क्या बताया कोई इंडिया में कानून नहीं बना सकता एक्सेप्ट जिसके पास अथॉरिटी है सिर्फ वही बना सकता है तो सर अथॉरिटी यहां पे बताई हुई है यूनियन लिस्ट में जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं उसकी अथॉरिटी किसके पास है बताया पार्लियामेंट के पास है पार्लियामेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट लोकसभा प्लस राज्यसभा पार्लियामेंट का मतलब स्टेट लिस्ट में जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं उसके ऊपर कानून बनाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है उसकी कानून बनाने की जिम्मेदारी है आपकी स्टेट गवर्नमेंट मतलब स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है ना विधानसभा के ऊपर है और कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं उसके ऊपर कानून बनाने की पावर किसके पास है पावर है दोनों सेंट्रल प्लस स्टेट के पास है दोनों मिलकर बनाएंगे सिंपल है, यस है। तो यहां पे वही लिखा है आर्टिकल 265 पहले लिख दिया 246 में तीन लिस्ट होती है ठीक है फिर यहाँ पे सर नीचे लिखा हुआ है देखो यूनियन इनकम टैक्स कौन सी एंट्री से आया है देखो सेवन शेड्यूल जो है उसका यूनियन लिस्ट जो है उसका 82 एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट से क्या इनकम टैक्स निकला है पर आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर इनकम जो है एग्रीकल्चर इनकम है उसके ऊपर टैक्स लगाने का पावर या वो जो मुद्दे जो भी है वो स्टेट लिस्ट में दिए हुए हैं सेकेंड जो लिस्ट है ना उसके ऊपर दिए हुए तो उसके ऊपर इनकम सेंट्रल गवर्नमेंट तो टैक्स नहीं लगा सकती तो वो आपका एंट्री नंबर 46 ऑफ स्टेट लिस्ट से निकला है एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर कोई टैक्स लगाना है तो फिर बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स लॉ टैक्स लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा तो देखो जो निर्मला सीतारामन जी का डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसके नीचे क्या है रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे खर्चे का होगा और भी बजट का होगा बहुत सारे होंगे उसमें एक रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है उसमें दो बोर्ड बनाए हुए हैं सीबीडीटी बनाया है और

सर पता है हमें इनकम टैक्स सीख रहे तो सर इनकम टैक्स तो बहुत चीज़ें होती होगी ना हम यहाँ पर्टिकुलरली क्या सीख रहे हैं तो हम इनकम टैक्स लॉ सीख रहे हैं हम इनकम टैक्स एक्ट नहीं सीख रहे बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि हम इनकम टैक्स एक्ट सीख रहे हैं नहीं हम इनकम टैक्स लॉ सीख रहे हैं तो सर लॉ और एक्ट में फ़र्क क्या है देखो लॉ ये जो है ना ये बड़ा गोला क्या है लॉ है और ये जो छोटा गोला क्या है एक्ट है मतलब लॉ बड़ा पार्ट है उसमें एक पार्ट एक्ट भी है सर क्या बोल रहे हो देखो लॉ में टोटल छह पार्ट होते हैं जिसमें पहला पार्ट होता है इनकम टैक्स एक्ट याद करो क्लास में मैंने बोला था तीन बड़े पार्ट है तीन छोटे पार्ट है पहला बड़ा पार्ट है इनकम टैक्स एक्ट दूसरा बड़ा पार्ट है फिनांस एक्ट थर्ड बड़ा पार्ट है इनकम टैक्स रूल्स तीन छोटे पार्ट पहला सर्कुलर दूसरा नोटिफिकेशन थर्ड केस लॉ याद आया छह पॉइंट है यस सर सब बताऊंगा रिवाइज कर रहा था फटाफट इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है सर सेक्शन वन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बताता है कि इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है सबसे पहले बताता है शॉर्ट टाइटल मेरा नाम क्या होगा नाम होगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहां कहां तक लगेगा होल ऑफ इंडिया लगेगा कब से लगेगा फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन से लगेगा ये क्या बोला सेक्शन वन ने बोला ये सर नीचे छः चार पॉइंट क्या लिखे ये कुछ नहीं लिखे काम के नहीं अभी के लिए एनुअल अमेंडमेंट क्या मतलब क्या होता है एनुअल फिनांस एक्ट होता है सर फिनांस एक्ट में अमेंडमेंट आते हैं मैंने बताया था करेक्ट है ये साल के लिए फिनांस एक्ट टू एप्लीकेबल है जो आप अक्टूबर एग्जाम दे रहे हो उसके थ्रू अमेंडमेंट आते हैं सर कैसे आते हैं जब बजट प्रेजेंट होता है तब फिनांस मिनिस्टर फिनांस बिल लेके आती हो बिल जब लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास हो जाता है और जब उसके ऊपर प्रेसिडेंट uh, का जो कि रामनाथ कोविंद जी है उनका क्या मिल जाएगा असेंट मिल जाएगा मतलब उसका परमिशन मिल जाएगा तो फिनांस बिल फिनांस एक्ट बन जाएगा और उसमें जो भी अमेंडमेंट मेंशन की हुई रहेगी कि अभी ये टैक्स रेट लगेगा अभी ये होगा जो भी व्हाट द थिंग्स विच आर सेट इन दैट फिनांस एक्ट वो क्या हो जाएगी आपका अमेंडमेंट का पार्ट बन जाएगी तो वही यहां पे लिखा है अमेंडमेंट थर्ड जो है वो क्या है इनकम टैक्स रूल्स है सर रूल्स क्या होते हैं पार्लियामेंट हर टाइम पावर में नहीं होती कोई भी कानून में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा सर कानून बदलना पड़ेगा कानून अमेंड कैसे करेंगे सर पार्लियामेंट ऊपर लिखा था ना कि पार्लियामेंट के थ्रू आपको चेंज करना पड़ेगा इनकम टैक्स में कुछ करना है तो सर पार्लियामेंट तो आपको पता है पंद्रह दिन समर सेशन पंद्रह दिन विंटर सेशन ये लोग ऐसे काम करते हैं ना करेक्ट है सर पता है तो वो केस में जब पार्लियामेंट इनऑपरेटिव रहेगा जब बंद रहेगा तब कुछ चेंज करना है तो सर कैसे चेंज कर रहे एक तो तरीका है कि वो स्पेशल सेशन बुलाओ पर वो तो बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए बनाया जाता बुलाया जाता है ये सर इनकम टैक्स में कोई चेंज करना है तो क्या करें तो वो केस में सेक्शन 295 बोलता है इनकम टैक्स का क्या बोलता है कि बोर्ड मतलब सीबीडीटी सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल के थ्रू मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर से क्या कर सकती है उनका परमिशन लेके रूल बना सकती है रूल बनाएगी किसके लिए एक्ट का पर्पस कैरी आउट करने के लिए मतलब एक्ट का पर्पस फुलफिल करने के लिए मतलब एक्ट में कुछ चेंज ना करना पड़े इसके लिए रूल निकाल देंगे रूल कब एप्लीकेबल होंगे जब वो नोटिफिकेशन गज मतलब जो ऑफिशियल गजट के में नोटिफिकेशन आ जाएगा तब वो एप्लीकेबल हो जाएंगे और इसको क्या बोला जाएगा इनकम टैक्स रूल्स 1962 बोला जाएगा ठीक है ये तीन बड़े पार्ट हो गए अभी तीन छोटे में सबसे पहले सर्कुलर के ऊपर आता है सर्कुलर का मतलब और नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है मैं एक बार बता देता हूं एक्चुअली ये रिकॉर्डिंग करके रखा था आपने देखा रहेगा तो आपको नहीं पता चला रहेगा रिकॉर्डिंग किया था पर वो क्या टेक्निकल रीजन की वजह से चला गया देखो सर्क्युलर जो होते हैं ना देखो सर्कुलर होता है एक नोटिफिकेशन होता है दोनों क्यों लेके आया जाता है टाइम टू टाइम कुछ चेंजेस करना होता है उसके लिए लेके आया जाता है टाइम टू टाइम कुछ चेंजेस करना होता है उसके लिए लेके आया जाता है ठीक है सर जो सर्कुलर होते हैं वो डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग होते हैं मतलब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जब कोई सीबीडीटी सर्कुलर लाएगा तो डिपार्टमेंट को फॉलो करना पड़ेगा पर एस को कोर्ट वगैरह को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है पर जो नोटिफिकेशन आता है वो सबको फॉलो करना जरूरी होता है सर सर्कुलर का कोई एग्जांपल दो ना कोई भी चीज़ की अभी ये फेयर मार्केट वैल्यू तुमको इस हिसाब से निकालनी पड़ेगी ये एसएससी के ऊपर बाइंडिंग नहीं रहेगा ये किसके ऊपर बाइंडिंग रहेगा डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग रहेगा नोटिफिकेशन का एग्जाम्पल दो सर ड्यू डेट चेंज हो गया थर्टी जुलाई था जो कि थर्टी सेप्टेम्बर हो गया तो ये सबके ऊपर बाइंडिंग रहेगा करेक्ट है तो यहां पे वही लिखा हुआ है कि सर्कुलर जो है सेक्शन 119 बोलता है सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है क्लारी uh, सर्कुलर्स और क्लैरिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको दिए जाएंगे जो कि आपको फॉलोड करने पड़ेंगे किसको इनकम टैक्स अथॉरिटी को पर ये करने नहीं पड़ेंगे नॉट किसको को के ऊपर बाइंडिंग नहीं होंगे साथ साथ ये बाइंडिंग नहीं होंगे अपीलेट ट्रिब्यूनल जो कि आई होता है आपका आगे देखेंगे अगर आपके सिलेबस में होगा या फिर कोर्ट्स के ऊपर मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वगैरह होते हैं इनके ऊपर बाइंडिंग नहीं होंगे फिर जुडिशियल डिसीजन क्या है सर जुडिशियल डिसीजन का मतलब क्या होता है केस लॉज होता है सर केस लॉ का मतलब क्या होता है बताता हूं ध्यान से सुनो uh, कोई कानून बनाया समझो वो टाइम पे कोई चीज स्पेसिफिकली मेंशन नहीं थी एक सकेन. कोई कानून बनाया वो टाइम पे कोई चीज ये एक्चुअली थोड़ा सा फैन करूंगा तो आपके नॉइस में डिस्टर्बेंस होगा इसलिए बंद है uh, एक चीज सुनो ध्यान से अगर आपने कोई कानून बनाया तभी आपको पता नहीं था कि फ्यूचर में उसका इंपैक्ट क्या आने वाला है या फ्यूचर में लोगों ने उससे कुछ चोरी करने के तरीके निकाल दिए तो उसके रिलेटेड कोई जजमेंट डाला किसने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने वो उसके रिलेटेड कोई जजमेंट दिया तो वो जजमेंट भी कानून का पार्ट बन जाता है लॉ का पार्ट बन जाता है सर कैसे एग्जाम्पल दो आपको पता है अगर आप कोई अपनी हाउस प्रॉपर्टी को रेंट आउट करते हो तो उसको उसकी इनकम आपका कहाँ टैक्सेबल होता है उसकी इनकम आपकी टैक्सेबल होती है सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में

पर्पज उसका बिजनेस है सेकेंड एग्जाम्पल लो किसी के पास बहुत सारे फ्लैट है उसका काम ही बिजनेस पे देना है फ्लैट को रेंट पे देना है उसका काम ही यही है तो ऐसे तो सब केसेस में केस लॉ निकलते हैं तो उसके बिहाफ पे क्या बना बनाया जाता है जजमेंट बनाया जाता है और वो आपके लॉ का पार्ट बन जाता है ठीक है सर ठीक है तो अभी तक हम लोग ने सर क्या देखा अभी तक हम लोग ने सेक्शन वन देखा है जो कि शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट की बात करता है सेक्शन टू डेफिनेशन की बात करता है सेक्शन थ्री प्रीवियस ईयर की बात करता है सेक्शन फोर चार्जिंग सेक्शन की बात करता है सर इतना कहाँ बताया अभी तक तो शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट सेक्शन वन ही बताया है सेक्शन टू में अलग अलग टाइप के डेफिनेशन दी हुई है जैसे जैसे आएगी हम लोग करते रहेंगे सेक्शन थ्री जो है वो प्रीवियस ईयर की बात करता है प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है सर प्रीवियस ईयर का मतलब होता है फिनांशियल ईयर फिनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है फर्स्ट अप्रैल से लेकर थर्टी फर्स्ट मार्च एक ऐसा साल जिसमें आप इनकम क्या करते हो अर्न करते हो कमाते हो कमाते हो कमाते हो, कमाते हो उसको प्रीवियस ईयर बोला जाता है प्रीवियस ईयर एक ऐसा साल होता है जिसमें आप इनकम कमा रहे हो जैसे कि अगर ये साल मैं अपनी क्लास सेल कर रहा हूँ और उससे मैं फॉर एग्जांपल टेन लाख रुपीज अर्न कर रहा हूँ ईयरली तो ये जिस साल में मैं अर्न कर रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर होगा करेक्ट है और इसके ऊपर टैक्स कब भरूंगा असेसमेंट ईयर में भरूंगा ये साल प्रीवियस ईयर क्या है 2021 प्रीवियस ईयर है असेसमेंट ईयर क्या है 2122 आपका क्या होगा असेसमेंट ईयर होगा इज इट सिंपल यस सर मतलब प्रीवियस ईयर के अगला साल जो होगा वो आपका असेसमेंट ईयर होगा जिस साल इनकम अर्न करते हो वो साल प्रीवियस ईयर जिस साल में उसका असेसमेंट होता है टैक्स भरते हो वो साल होता है असेसमेंट ईयर बिजनेस कब स्टार्ट हो रहा है फॉर एग्जाम्पल अभी ये प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है उसका कुछ एक्सेप्शन दिया हुआ है सर क्या एक्सेप्शन दिया है अगर बिजनेस समझो बीच में स्टार्ट हुआ जुलाई के दिन मैं क्या करता हूँ बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो फर्स्ट जुलाई से लेकर समझो फर्स्ट जुलाई को बिजनेस स्टार्ट हुआ तो आपका प्रीवियस ईयर जनरली कब से होता है फर्स्ट अप्रैल से होता है पर अगर बिजनेस बीच में स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट जुलाई से लेकर थर्टी मार्च आपका क्या माना जाएगा प्रीवियस ईयर माना जाएगा और समझो बिजनेस बीच में बंद हो जाता है तो फर्स्ट अप्रैल से चालू होता है वो तो नॉर्मल वही रहेगा जब बिजनेस समझो दिसंबर को बंद हो गया तो थर्टी फर्स्ट डिसंबर मेरा क्या मान लिया जाएगा प्रीवियस ईयर मान लिया जाएगा अप्रैल से लेकर दिसंबर इज इट ओके कोई डाउट है तो कमेंट में पूछो सेक्शन थ्री प्रीवियस ईयर की बात करता है सेक्शन फोर किसकी बात करता है पता है चार्जिंग सेक्शन की बात करता है सर चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या होता है तो फ्रेंड्स बेसिक प्रिंसिपल फॉर चार्जिंग इनकम टैक्स कहाँ दिया हुआ है सेक्शन फोर में दिया हुआ है तो देखो सेक्शन फोर क्या बोलता है मैं यहाँ पे एकदम अच्छे से आपको समझाता हूँ इंसर्ट कर देता हूं एक पेज देखो सेक्शन फोर बड़ी ही सिंपल चीजें बात करता है सेक्शन फोर बोलता है कि आप किसी पर्सन का पर्सन का पर्सन का मतलब क्या होता है आगे देखेंगे पर्सन का क्या ले लो टोटल इनकम ले लो उसको मल्टीप्लाई कर दो टैक्स रेट से ये टोटल इनकम प्रीवियस ईयर का होना चाहिए और इसके ऊपर टैक्स भर देंगे हम असेसमेंट ईयर में बस ये सेक्शन फोर बोलता है आपको रटने की जरूरत नहीं है मोटा मोटी यही चीज़ बोलता है पर्सन का मतलब क्या होता है आगे एक डेफिनेशन है टू थर्टी वन टू थर्टी वन डेफिनेशन में पर्सन का डेफिनेशन लिखा है टोटल इनकम का मतलब क्या होता है पांच हेड का इनकम ले लो उसमें सेट ऑफ और क्लबिंग का एडजस्टमेंट कर दो जी आ जाएगा उसमें से डिडक्शन लेस कर दो तो आपका टोटल इनकम आ जाएगा टैक्स रेट के लिए कहां से ढूंढे सर दो सोर्स है एक तो है फिनांस एक्ट जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था ना फिनांस एक्ट वो बजट वाला एक ये सोर्स है और दूसरा इनकम टैक्स एक्ट सोर्स है फिनंस एक्ट में वो वाला टैक्स रेट दिया होता है जो जनरली चेंज नहीं होता जैसे आपका इंडिविजुअल का ढाई लाख टैक्स रेट टू लाख फिफ्टी थाउजेंट फाइव लाख पांच परसेंट पांच लाख से दस लाख बीस परसेंट लाख के ऊपर तीस सीनियर सिटीजन के, के केस में तीन लाख का बेसिक एक्जम्शन सुपर सीनियर सिटीजन के लिए पाँच लाख का बेसिक एक्जेपन डोमेस्टिक के कम्पनी के केस में ट्वेंटी फाइव परसेंट फर्म के केस में थर्टी ये जितने भी फॉरन कंपनी के केस में फोर्टी ये जो टैक्स रेट्स दिए हुए हैं ये फिनांस एक्ट में दिए हुए हैं। तो सर इनकम टैक्स एक्ट में कौन सा टैक्स रेट दिया है जो स्पेशल टैक्स रेट है जो कि चेंज नहीं होते बहुत बार ज़्यादातर टाइम चेंज नहीं होते लॉटरी के ऊपर थर्टी परसेंट टैक्स रेट नॉन रेजिडेंट के इंटरेस्ट के ऊपर वो पाँच परसेंट टैक्स रेट जो भी पीछे आगे वो दिए हुए हैं पता नहीं ये इंटर के सिलेबस में एप्लीकेबल भी नहीं होंगे वो इतने सारे पर लॉटरी वगैरह के जो टैक्स रेट है एक वन वन फाइव बी बी ई का टैक्स रेट है सिक्सटी परसेंट प्लस ट्वेंटी फाइव परसेंट ये सब जो टैक्स रेट है ना ये इनकम टैक्स एक्ट में दिए ये मैंने फास्ट जानबूझ के बोला है क्योंकि मैं समझाऊँगा आगे जाकर कर टेंशन की ज़रूरत नहीं करेक्ट है करेक्ट है सर तो आ जाते हैं इनकम जो है वो प्रीवियस ईयर का किसका पर्सन का चार्ज होगा कब होगा असेसमेंट ईयर में चार्ज होगा ठीक है रेट ऑफ टैक्स कहाँ से आएगा जैसे मैंने आपको बताया वहाँ से आएगा और इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स टीडीएस एडवांस टैक्स वगैरह है तो वो एप्लीकेबल होंगे क्या होते हैं ठीक है देखेंगे असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है वो ईयर जिसमें आप टैक्स वगैरह भरते हो मतलब जिसमें आपका असेसमेंट होता है ये जिसका ड्यूरेशन बारह महीने का होता है प्रीवियस ईयर के बाद का ये साल होता है इमीजिएटली आफ्टर द प्रीवियस ईयर पर्पज़ क्या होता है असेस करना और टैक्स भराना प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है सर प्रीवियस ईयर का मतलब वही फिनेंशियल ईयर होता है जिसमें आप इनकम को क्या करते हो अर्न करते हो फांशियल ईयर होता है पर उसके तीन एक्सेप्शन मैंने बताए थे ना ये तीन एक्सेप्शन अगर आपका बिजनेस बीच में स्टार्ट हुआ तो जहां से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ वहां से लेकर थर्टी मार्च अगर आपका बिजनेस बीच में बंद हो जाता है तो फर्स्ट अप्रैल से लेकर जब आपका बिजनेस बंद हो जाता है फिर यहाँ पे कुछ ज्ञान दिया हुआ है रीड कर लेना पर उसके पांच एक्सेप्शन है जनरली जनरल रूल क्या है प्रीवियस ईयर के इनकम को आपको टैक्स भरना है कब टैक्स भरना है असेसमेंट ईयर में टैक्स भरना है पर उसके क्या एक्सेप्शन है सर जल्दी बताओ एक स्टोरी सुन लो एक कोई नॉन रेजिडेंट है नहीं स्टोरी को थोड़ा ट्विस्ट करता हूँ ठीक है आप क्या कर रहे हो आपका एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपने एओपी या बीओआई को फॉर्म किया एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को आपने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फॉर्म किया है उसको आप क्या कर रहे हो आप अपना उसका बिजनेस बंद कर रहे हो क्या कर रहे हो आप बिजनेस को क्या कर रहे हो डिसकंटिन्यू कर रहे हो आपने शॉर्ट टाइम के लिए फॉर्म किया था आप अपने बिजनेस को क्या कर रहे हो डिसकंटिन्यू कर रहे हो आप अपना ट्रांसफ़र कर रहे हो प्रॉपर्टी अपना प्रॉपर्टी बेच रहे हो किस लिए अवॉइड टैक्स करने के लिए और आपको लेने के लिए एक नॉन रेजिडेंट आ रहा है शिप पे चढ़ के आपको नॉन रेजिडेंट शिप पे लेके शिप पे चढ़ के लेने आ रहा है और आप इंडिया को परमानेंटली या लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ के जाने वाले हो ये स्टोरी समझा ये स्टोरी समझा तो बस ये पांच पॉइंट आपने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एओपी बीवाई फॉर्म किया है आप अपना बिजनेस अभी वो बंद कर रहे हो बिजनेस बंद करने के लिए आप अपने असेट वगैरह सब प्रॉपर्टी बेच रहे हो टैक्स बचाने के लिए करेक्ट है अभी आपको एक नॉन पे लेने आ रहा है वो जब लेने आ रहा है तो आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो या तो परमानेंटली या लॉन्ग टर्म के लिए तो ये पांच एक्सेप्शन है ये केस में आपका प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही भरना पड़ेगा ना कि असेसमेंट ईयर में फिर बात करते हैं एस के डेफिनेशन के ऊपर सर एस का डेफिनेशन क्या बोलता है एस और पर्सन दोनों के डेफिनेशन साथ में हम लोग देख लेते हैं आ, याद करने की जरूरत है मुझे नहीं पता एक बार देख लेना यार क्या पता पूछ ले एस के डेफिनेशन क्या है सेक्शन टू में बोली हुई है एक ऐसा पर्सन या तो जो टैक्स भर रहा है या फिर कोई एनी अदर सम भर रहा है अंडर इनकम टैक्स एक्ट एनी अदर सम का मतलब क्या होता है इनकम टैक्स इनकम इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फीस फाइन वगैरह भर रहा है या तो वो टैक्स भर रहा है इनकम टैक्स एक्ट में या फिर ये चीज़ें भर रहा है तो वो क्या मान लिया जाएगा एस मान लिया जाएगा पर उसमें तीन लोग इंक्लूड हो जाएंगे पहला दूसरा तीसरा पहला कौन डीम डीम एसे का मतलब क्या है फॉर एग्जाम्पल डोनाल्ड ट्रंप को ले लो डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया में बहुत सारा बिजनेस है पर टैक्स बढ़ने डोनाल्ड ट्रंप आएगा क्या बिल्कुल नहीं आएगा उसने अपना आदमी रखा रहेगा तो वो आदमी आपका क्या माना जाता है डीम एस माना जाता है सेकेंड पॉइंट असेसी इन डिफॉल्ट असी इन डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है सर असेसी इन डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि आपने कोई टैक्स की चोरी की है आपने कोई कंप्लाइंस करना चाहिए था आपने नहीं किया आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए था आपने नहीं किया तो भी आप क्या मान लिए जाओगे एस मान लिए जाओगे और तीसरा एक ऐसा आदमी जिसका इनकम टैक्स में असेसमेंट चल रहा है वो भी आपका क्या माना जाएगा एस माना जाएगा असेसमेंट किसका उसकी इनकम का असेसमेंट उसके लॉस का असेसमेंट समझ लो उसकी इनकम का असेसमेंट उसके लॉस का असेसमेंट किसी और की इनकम उसके हाथ में टैक्सेबल होती है जो उसको क्लबिंग बोलते हैं उसका असेसमेंट या चौथा पॉइंट क्या है ध्यान से सुनो चौथा पॉइंट है उसके रिफंड का असेसमेंट तो वो एस माना जाएगा ये आपके एस का डेफिनेशन दिया हुआ है थोड़ा बड़ा है मुझे पता है पर जो है वो यही है मैंने एकदम समराइज करके आपको अच्छे से बता दिया पर्सन का मतलब क्या होता है सर पर्सन का डेफिनेशन दिया हुआ है टू थर्टी वन में जिसमें आपको क्या करना है दो दो का तीन जोड़ी बना देना है और एक अदर पर्सन इंडिविजुअल एच यू एफ पर्सन है कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म पर्सन है एओपी बी आई और लोकल अथॉरिटी पर्सन है और लास्ट में जो कहीं नहीं आएगा उसको एजेपी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन आपका पर्सन है सिंपल है फिर यहाँ पे इंडिविजुअल क्या होता है एच क्या होता है ये सब रीड कर लेना कंपनी क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा देखो कंपनी में बहुत सारी टाइप्स दी हुई है एक होता है इंडियन कंपनी एक होता है डोमेस्टिक कंपनी एक होता है फॉरेन कंपनी सर बताओ मतलब क्या होता है तो मैं आपको यहां बता देता हूं मतलब देखो डोमेस्टिक कंपनी फॉरेन कंपनी और इंडियन कंपनी करेक्ट फॉरेन कंपनी का मतलब होता है एक ऐसा कंपनी जो कि डोमेस्टिक कंपनी नहीं है वो क्या होता है फॉरेन कंपनी बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है जो कंपनी डोमेस्टिक नहीं है वो क्या है फॉरेन है तो सर डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है तो डोमेस्टिक का मतलब होता है इंडियन कंपनी तो हमेशा डोमेस्टिक कंपनी होगा इंडियन कंपनी तो हमेशा डोमेस्टिक कंपनी होगा पर एक ऐसा कंपनी जिसने मतलब है वो भले ही फॉरन कंपनी पर उसने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर अरेंजमेंट इंडिया के थ्रू करके रखा है तो वो भी आपका डोमेस्टिक कंपनी मान लिया जाएगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का और पेमेंट का अरेंजमेंट इंडिया के थ्रू कर लिया है तो वो भी डोमेस्टिक कंपनी मान लिया जाएगा इंडियन कंपनी का मतलब कोई एक ऐसा कंपनी जो कि इंडियन कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है या फिर उसका प्रिंसिपल ऑफिस वगैरह जो है वो इंडिया में है आपको डोमेस्टिक कंपनी ध्यान रखना है फर्म का मतलब क्या है जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जिसको फर्म बोला गया है वो फर्म है एओपी बीवाई में फर्क क्या होता है वो मैं बता देता हूं देखो ये है एसोसिएशन ऑफ पर्सन अभी मैंने बताया पर्सन में सात लोग होते हैं ये क्या है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इंडिविजुअल मतलब आप, आपके जैसे मेरे जैसे लोग एसोसिएशन ऑफ पर्सन में मेंबर कंपनी भी बन सकता है पार्टनरशिप फॉर्म भी बन सकता है पर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ इंडिविजुअल मेंबर बन सकते हैं फिर बात करते हैं लोकल अथॉरिटी लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या होता है सर लोकल अथॉरिटी का मतलब जो आपका म्यूनिसिपल होता है अपना मुंबई में बीएमसी है वो ही आपका लोकल अथॉरिटी होता है और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो कहीं नहीं आएगा वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में आ जाएगा जैसे मंदिर वगैरह हो गया यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है आप देख सकते हो नेक्स्ट आते हैं इनकम के डेफिनेशन के ऊपर देखो भाई इनकम के डेफिनेशन आपको रटनी नहीं है क्यों नहीं रटनी सर इनकम के डेफिनेशन में वही सब चीजें लिखी हुई है जो आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ने वाले हैं अलग अलग हेड्स में अलग अलग टाइप्स के जो इनकम दी हुई है वही यहाँ पे दी हुई है तो यहाँ पे अपने को ये करने की ज़रूरत नहीं है इन एक एक चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है पर रीड आप अपने हिसाब से कर लेना मैं यहाँ पे वो चीज़ें आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे रीडिंग नहीं करने वाला फिर बात करते हैं सेक्शन फोर्टीन आपको सीधा दे दिया है हेड्स ऑफ इनकम सर हेड्स ऑफ इनकम सर एक बात बताओ ये हेड वेड करने की डिवाइड करने की क्या ज़रूरत है सीधी सी चीज़ थी कि भाई मेरी इनकम दस लाख आई है उसके ऊपर सीधा टैक्स ले लो रेट दे दो ऐसी क्या जरूरत है कि ये पांच हेड में डिवाइड किया क्योंकि नेचर सबका अलग अलग है एग्जांपल लेता हूं एक आदमी है जो दस लाख रुपया पूरे साल में सैलरी का इनकम अर्न करता है और एक आदमी ऐसा है जो बिजनेस कर रहा है और दस लाख रुपए का सेल्स कर रहा है अगर दस लाख के ऊपर सेम टैक्स लगाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा पता है सैलरी का इनकम तो भाई रॉ इनकम है सीधा उसके हाथ में नॉर्व इनकम आ रहा है पर पीजीबीपी में 10 लाख का उसने भले सेल किया है पर शायद उसके लिए उसने 15 लाख का परचेस किया हो हो सकता है ना यार कि अभी मार्केट डाउन है तो वो चाहता है कुछ तो मिले तो ये कि इसमें एक्चुअल तो उसका लॉस आ रहा है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते ना इसलिए सबका कंपटीशन अलग होता है इसके लिए अलग अलग हेड बनाए हुए मैंने क्लास में हर एक हेड का एक एक कंपैरिजन किया था अच्छे से अभी यहाँ पर उतना तो टाइम नहीं है सिंपल सी बात है आ, फिर बात कर रहे हैं करते हैं सिग्निफिकेंस क्या है हेड का वो बेनिफिट वगैरह जो थियरी होता है उसके बारे में बोला है फिर नेक्स्ट आते हैं जी के ऊपर ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकालना है आपको पाँचों हेड

करेक्ट है बट अगर आपका फोर्टी वन सिक्स फोर्टी फोर है तो भी आपको फोर्टी वन सिक्स फोर्टी लेना पड़ेगा मतलब राउंडिंग ऑफ फिर यहां पे इनकम का bifurcation दिया है बाई वे ऑफ कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट करेक्ट कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है एक ऐसा रिसिप्ट होता है जो कि बेसिकली कभी कभार होता है कैपिटल नेचर का होता है रेवेन्यू मतलब जो आपके बिजनेस के नेचर का रिकरिंग इनकम होता है वो रेवेन्यू नेचर होता है कैपिटल रिसिप्ट यहाँ पे ऐसा लिखा है कि जनरली चार्ज नहीं होगा इनकम टैक्स में एक्सेप्ट अगर दिया हुआ है तो हो जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट हमेशा चार्ज होगा एक्ज नहीं होगा एक्सेप्ट दिया है तो एक्ज हो जाएगा कैपिटल रिसिप्ट जो है वो जनरली तीन जगह पे चार्ज होता है एक कैपिटल गेंस हेड में सब कैपिटल रिसिप्ट चार्ज होते हैं दूसरा आपका पीजीबीपी में एक जगह पे होता है और तीसरा एक जगह पे सैलरी में होता है आगे देखेंगे सिंपल है यस फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे नोट कर वर्थ वाइल टू नोट कुछ चीज़ें हैं जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है, है मतलब केस लॉज़ है जिसके हिसाब से कुछ चीज़ें निकल के आती है आप एक बार देख लो इन्होंने बोला है क्या देखने को बोला है कि ये कुछ फर्क नहीं पड़ता कि इनकम आपको लमसम मिलती है कि इंस्टॉलमेंट में मिलती है इससे नहीं फर्क पड़ेगा सेकेंड आपको कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है रिसिपियंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है जिसको पैसा मिल रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि ये कैपिटल रिसिप्ट है कि रेवेन्यू रिसिप्ट है ऐसा क्यों भाई टैक्स तो वही भरेगा थर्ड पॉइंट उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप अपनी बुक में क्या करते हो उससे नहीं फर्क पड़ेगा उससे कोई उसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होगा क्योंकि जानबूझ के आप टैक्स बचाने के लिए कर सकते हो अगर कोई वेस्टिंग असेट से कोई इनकम निकलता है प्रॉफिट ऑन कैपिटल विच इज़ कंज्यूम एंड एग्जॉस्टेड इन अ प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन एग्जाम्पल जैसे रॉयल्टी हो गया फ्रॉम माइंस एंड एक्वायरीज इज टैक्सेबल एज इनकम रिगार्डलेस इट्स कंजम्पशन ऑफ इन्वॉल्व कैपिटल इन द प्रोसेस मतलब कैसे कैपिटल यूज हुआ ये फर्क नहीं पड़ता वो टैक्सेबल होगा रिसिप्ट का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है बिग है या स्मॉल है इससे नहीं पता चलेगा टाइम क्या होने वाली है रिसिप्ट की वो आपको देखनी पड़ेगी क्वालिटी क्या है सिप्ट की वेदर वॉलेंटरी खुद से मिला है या फिर कोई लीगल ऑब्लिगेशन के अंडर मिला है विल नॉट मेक एनी डिफरेंस कोई डिफरेंस नहीं ये सब रीडिंग पॉइंट है एग्जाम में टैक्स का एग्जाम है एक दो मार्क्स का कितना थियरी पूछा तो पूछेगा अदरवाइज मेन चीजें अभी नहीं हुई है ये देखो ये तीन चीज़ें बोली हुई है जहां पे आपका कैपिटल नेचर का होगा बट टैक्सेबल होगा इनकम टैक्स में बोला हुआ है सबसे पहले कैपिटल गेंस जो कि पूरा हेड है आपका एक जो बड़ा हेड है दूसरा आपका एम्प्लॉयमेंट में आपका सर्विस के टर्म्स चेंज करने की वजह से आपको जॉब से निकालने की वजह से जो पैसा मिलता है वो या फिर बिजनेस के रिलेटेड कोई कंपेंसेशन मिलता है तो वो ठीक है फिर सेम टू सेम एक्सपेंस का भी यहाँ ज्ञान दिया हुआ है एक बार रीड कर लेना जो कि इतना खास नहीं है आपको रीडिंग करना है फिर यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है टैक्स प्लानिंग टैक्स इवेजन टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स मैनेजमेंट करके भी एक कंसेप्ट होता है इसका सर क्या लेना देना है वो समझ लेना जरूरी है क्वेश्चन बनने के चांसेस है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं देखो ध्यान से सुनो चार टर्म बोले मैंने सबसे पहले बोला है टैक्स प्लानिंग टैक्स को प्लान करना टैक्स को अवॉइड करना टैक्स को इवेड करना और एक होता है मैनेज करना ठीक है सर सर ये तीनों जो है ना तीनों में क्या हो रहा है पता है आप अपने टैक्स को कम कर रहे हो अपने बेनिफिट के लिए टैक्स प्लानिंग में आप वो वाले बेनिफिट ले रहे हो जो इनकम टैक्स एक्ट में दिए हुए हैं इनकम टैक्स एक्ट बोलता है भाई ले लो तुम ये बेनिफिट तुम अपने बच्चों की ट्यूशन फीस भरो हम तुम्हें ए सी में डिडक्शन देंगे तुम एल प्रीमियम भरो हम तुम्हें डिडक्शन देंगे तुम अपना मेडिक्लेम भरो हम तुम्हें ए डी में डिडक्शन देंगे तुम अपने हाउसिंग लोन का रीपेमेंट करो हम हाउस प्रॉपर्टी में आपको डिडक्शन देंगे करेक्ट है अगर जो बोला हुआ है आप कानून में रहके आप डिडक्शन ले रहे हो या कोई भी बेनिफिट ले रहे हो टैक्स का तो उसको बोला जाएगा टैक्स प्लानिंग करेक्ट है टैक्स इविजन का मतलब क्या है आप ओपनली एकदम खुलेआम चोरी कर रहे हो भाई कानून में क्या लिखा है आपको कुछ मतलब नहीं आप बोगस बिल बना रहे हो आपको जो मर्जी आ रहा है वो आप डेप्रिसिएशन का हायर रेट ले रहे हो आप खर्चे अननेसेसरी जो अपने रियल लाइफ में ऑफिस में करते कुछ भी क्लेम करे जा रहे हो तो उसको क्या बोला जाएगा टैक्स इविजन सिंपल है ये क्या हुआ ये एकदम लीगल काम कर रहे हो ये एकदम इलीगल काम कर रहे हो ये टैक्स अवॉइडेंस क्या है ये जब फाइनल में आप आओगे ना तब आप एकदम इन डिटेल समझोगे अभी इतना इन डिटेल नहीं समझ पाओगे आप कर तो रहे हो काम कानून के अंदर ये कानून की चार दीवारें हैं ये दीवार के अंदर रह के आप काम कर रहे हो पर आप वो बेनिफिट ले रहे हो ना लॉ के जो इंटेंशन नहीं है लॉ का बेनिफिट देना आप वो वाले बेनिफिट ले रहे हो जो कि लॉ का इंटेंशन नहीं है देना तो समझो टैक्स अवॉइडेंस इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कर रहे हो आप वो वाले बेनिफिट ले रहे हो जो लॉ का इंटेंशन नहीं है आपको देना यहाँ पे जो इंटेंशन है वही ले रहे हो यहाँ पे आप खुलेआम चोरी कर रहे हो यहाँ पे आपको पेनल्टी वेनल्टी लगेगा यहाँ पे कुछ नहीं होगा पर यहाँ पे गवर्नमेंट खुद कंफ्यूज है क्या करे इसके लिए गवर्नमेंट ने एक कंसेप्ट लाया था गार करके आपके सिलेबस में मुझे नहीं पता है यहाँ पे ये तीनों टैक्स प्लानिंग टैक्स इविजन और टैक्स अवॉइडेंस मैंने बता दिया टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या है आप रिड्यूस कर रहे हो टैक्स लाइबिलिटी बाय टेकिंग फुल एडवांटेज पूरा एडवांटेज ले रहे हो जो कि आपको कानून में दिया हुआ है वो वाला एडवांटेज ले रहे हो आप अपनी मर्जी का नहीं ले रहे हो बाय वेरियस एग्जम्पन डिडक्शन रिबेट एंड रिलीफ इन अदर वर्ड आप क्या कर रहे हो टैक्स लाइबिलिटी को कम कर रहे हो बाय अप्लाइंग स्क्रिप्ट एंड मॉरल ऑफ लॉ ठीक है इट इज़ साइंटिफिक प्लानिंग सो एज टू अट्रैक्ट मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी ठीक है इवेजन का मतलब क्या है आप रिड्यूस कर रहे हो टैक्स लाइबिलिटी बाय डेलिबरेटिंग सप्रेजिंग इनकम मतलब आप इनकम को कम दिखा रहे हो या बाय इंक्रीजिंग एक्सपेंस या खर्चा बढ़ा के या फिर टोटल इनकम को कम करके मतलब चोरी कर रहे हो ना सिंपल सी बात है टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या है आप लीगली ले रहे हो एडवांटेज बट आप वो जो कानून के लूप होल है उसका बेनिफिट ले रहे हो ठीक है इसके लिए गार वार लेके आए हैं ठीक है वो चीजें लिखिए फिर यहाँ पे कुछ केस लॉस दिए हुए हैं जो आप एक बार रीड कर लेना रीडिंग है उसके बाद मैं आता हूँ आगे आपका ये डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है टैक्स प्लानिंग टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स रिविजन टैक्स मैनेजमेंट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है पता है? आप मैनेज कर रहे हो आपको डेट से पहले पहले टैक्स का पेमेंट कर रहा है तो आप बराबर कर रहे हो उसको मैनेजमेंट बोला जाता है डेफिनेशन क्या है कि यहाँ पे आप टैक्स कम कर रहे हो बाय फुल्ली टेकिंग एडवांटेज जो ऊपर दिया हुआ है वही है यहाँ पे अवॉइडेंस में आप लीगली कर रहे हो पर आप लूपोल को ओके okay. यूज़ कर रहे हो एक्सप्लॉइड कर रहे हो बेसिकली इवेजन का मतलब क्या है आप सप्रेस कर रहे हो इनकम या फिर लॉस को बढ़ा रहे हो खर्चे बढ़ा रहे हो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो आप कंप्लाई कर रहे हो प्रोविजन ऑफ लॉ फीचर क्या है टैक्स प्लानिंग जो है वो आपके लॉ के अंदर रह के काम किया जाता है ये लॉ को नहीं तोड़ रहे हो पर आप क्या कर रहे हो बेंडिंग कर रहे हो लॉ को बेंड कर रहे हो ये तो पूरा इलीगल है और यहाँ पे कुछ नहीं है भाई आप प्लान कर रहे हो बस ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे सबका ऑब्जेक्टिव वही है रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी पर यहाँ पे क्या है कंप्लाई करना प्रोविजन ऑफ लॉ को अप्रोच क्या है ये फ्यूचर फ्यूचरिस्टिक uh, है और पॉजिटिव इन नेचर है आप क्या कर रहे हो पॉजिटिवली काम कर रहे हो ये भी फ्यूचरिस्टिक है पर शॉर्ट टर्म के लिए आप कर रहे हो क्या कर रहे हो लूप होल को एक्सप्लॉइट कर रहे हो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो ये तो एकदम आप इलीगल काम कर रहे हो नेगेटिव अप्रोच है आपको टैक्स वैक्स जमा कराना पड़ेगा ये कंटिन्यूस अप्रोच है आपको काम करते रहना है तो आपको हमेशा कंप्लाई करते रहना पड़ेगा फिर बात करें बेनिफिट्स की तो एक सेकेंड टैक्स प्लानिंग का बेनिफिट आपको लॉन्ग रन में मिलेगा ये आपको शॉर्ट टर्म में अवॉइडेंस का मिलेगा ये आपको बेनिफिट तो मिलेगा पर बेनिफिट डू नॉट अराइज बट पेनल्टी एंड प्रोजीक्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा मतलब ऐसे तो रियल लाइफ में तो मिलता ही है पर ये बुक इस लैंग्वेज है तो यहाँ पे लिखा है कि बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा पर आपको पेनल्टी और प्रोजीक्यूशन ज़रूर मिलेगा और ये सब पेनल्टी इंटरेस्ट बचाने के लिए आप क्या करते हो टैक्स का मैनेजमेंट करते हो ट्रीटमेंट ऑफ लॉ क्या दिया हुआ है इट यूज़ बेनिफिट ऑफ द लॉ Uh, आप बेनिफिट कर ले रहे हो लॉ का इसमें आप होल का एक्सप्लोइट कर रहे हो यहाँ पे आप ओवर रूल कर रहे हो लॉ को और यहाँ पे आप लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहे हो यहाँ पे आप टैक्स सेविंग कर रहे हो यहाँ पे आप टैक्स को हेज कर रहे हो यहाँ पे आप टैक्स को कंसील कर रहे हो और यहाँ पे आप टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो नीड क्या है ये ज़रूरी है ये अवॉइडेबल है आप अवॉइड कर सकते हो ये तो ऑब्जेक्शनेबल है मतलब आपके ऊपर टैक्स वगैरह लगेगा और ये ज़रूरी है ये सब याद करना है रीड कर लेना भाई मॉरलिटी क्या है ये मॉरल इन नेचर है ये इमोरल है ये इलीगल है और ये ड्यूटी है आपकी ठीक है भाई फिर डाइवर्जन की बात करें डाइवर्जन एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम दोनों का डिफरेंस क्या है सर डाइवर्जन का मतलब क्या होता है आपको समझो ना यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है वही बोलता हूँ मैं आप आप दोनों आप और मैं मतलब जो मेरा स्टूडेंट है और मैं हम दोनों मिलके एक बुक लिखते हैं और जब वो पब्लिकेशन रॉयल्टी देता है तो वो क्या करता है वो मेरे नाम पे पूरा चेक छः लाख रुपए का दे देता है अभी दोनों का हिस्सा है तीन लाख तीन लाख तो मैं क्या करता हूँ डाइवर्ट कर देता हूँ इनकम अपने तीन लाख मैं अपने पास रख लेता हूँ तीन लाख आपके पास डाल देता हूँ तो ये केस में मेरे हाथ में टैक्स नहीं लगेगा तीन लाख के ऊपर मेरे हाथ में लगेगा तीन लाख के ऊपर आपके हाथ में लगेगा ये क्या किया आपने डाइवर्जन किया एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है मेरा ही भुख्ता मैंने छः लाख रुपया लिया आप मेरे एम्प्लॉय थे आपने आपको मैंने क्या किया तीन लाख रुपया आपको दे दिया अपना जॉब का तो वो केस में अप्लाइड है वो छः लाख पूरा मेरा इनकम टैक्सेबल है उसमें से खर्चे का जो रिडक्शन मिल रहा है वो मिल जाएगा ठीक है फिर बात करते हैं टैक्स रेट की टैक्स रेट सर क्या है सर ये साल रेट क्या है? बता देता हूं फटाफट हैं देखो सर पहले बताओ पर्सन कितने थे याद करो सर पर्सन थे सर एक था इंडिविजुअल एक था एच एक था फर्म एक था कंपनी करेक्ट ए पी था बी ओ आई था एजेपी था करेक्ट एक लोकल अथॉरिटी भी था ये सब लोगों के लिए टैक्स रेट सेम है सर क्या टैक्स रेट है देखो 2.5 पॉइंट तक कोई टैक्स नहीं है 2.5 पॉइंट से 5 लाख 5 परसेंट है 5 लाख से 10 लाख 20 परसेंट है 10 लाख के ऊपर 30 परसेंट है ये ये लोग के केस में टैक्स रेट है बड़ी सिंपल है जैसे Uh, अगर आप सीनियर सिटीजन हो सीनियर सिटीजन का मतलब दो कंडीशन एक आपकी उम्र साठ से ऊपर होनी चाहिए प्लस आप इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए तो आपके हाथ में टैक्स लगेगा तीन लाख तक जीरो तीन लाख से पाँच लाख बाकी सब कुछ सेम अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हो मतलब आपका एज अस्सी से ऊपर है और आप रेजिडेंट हो तो आपके हाथ में टैक्स कैसे लगेगा आपके हाथ में टैक्स लगेगा पांच uh, लाख तक जीरो उसके बाद सबसे यस फर्म के हाथ में टैक्स रेट क्या रहेगा सर थर्टी परसेंट कंपनी के केस में टैक्स रेट क्या रहेगा सर दो टैक्स रेट रहेगा अगर फॉरेन कंपनी है तो चालीस परसेंट अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो दो टैक्स रेट रहेगा अगर परसों आज क्या चल रहा है प्रीवियस ईयर 2021 चल रहा है परसों मतलब प्रीवियस ईयर एटीन नाइनटीन में अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ तक है तो टैक्स रेट होगा 25 परसेंट अदरवाइज टैक्स रेट होगा 30 परसेंट सिंपल है ये सब टैक्स रेट है फिर सरचार्ज की बात कर लेते हैं सरचार्ज भी सेम इंडिविजुअल वगैरह के ऊपर लगेगा ये सर सरचार्ज का मतलब क्या होता है सर चार्ज मतलब क्या जो नॉर्मल चार्ज है टैक्स का वो तो है उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज जो लगेगा सरचार्ज लगेगा जो आपका इनकम टैक्स है मैंने आपको क्या बोला प्रोग्रेसिव नेचर का है तो सिंस ये प्रोग्रेसिव नेचर का है तो जितना आपका इनकम बढ़ेगा उतना टैक्स बढ़ेगा तो टैक्स के ऊपर हम सरचार्ज भी लगाएंगे देखो सेकेंड इंडिविजुअल के केस में जो ऊपर थे इंडिविजुअल एच यू एफ एओपी बी ओ आई एजेपी अगर आपका इनकम 50 लाख क्रॉस होता है अब टू कितना होता है पता है एक करोड़ होता है तो सरचार्ज लगेगा आपके ऊपर 10 परसेंट एक करोड़ से दो करोड़ होता है सरचार्ज लगेगा 15 परसेंट दो करोड़ से पाँच करोड़ होता है सरचार्ज लगेगा 25 परसेंट और पाँच करोड़ से इनकम क्रॉस हो जाएगा सरचार्ज लगेगा 37 परसेंट बट अगर आपका इनकम है फ्रॉम एस ट्रिपल वन एल टी सी जी वन वन टू ए और डिविडेंड uh, का इनकम तो मैक्सिमम सरचार्ज ये इनकम के ऊपर पंद्रह परसेंट ही लगेगा इसके अलावा कोई इनकम रहेगा और आपका लिमिट क्रॉस हो रहा है तो आपका इतना हो सकता है पच्चीस सैंतीस परसेंट क्वेश्चन किए थे क्लास में ध्यान से देख लेना अनलिमिटेड व्यू है आपको पता चल जाएगा फिर फर्म के केस में आपका क्या रहेगा सरचार्ज अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म करोड़पति बन जाती है और जहाँ जहाँ फर्म आता है एल हमेशा साथ आता है एक करोड़ से ज्यादा आपका टर्न या ग्रॉस रिसिप्ट हो जाएगा सरचार्ज लगेगा बारह परसेंट और कंपनी के केस के में डोमेस्टिक कंपनी के केस में अलग सरचार्ज लगेगा फॉरेन कंपनी के केस में अलग सरचार्ज लगेगा अगर आपका इनकम एक करोड़ से दस करोड़ है तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में सरचार्ज सात है फॉरन कंपनी के केस में दो है और अगर आपका टर्न ओवर करोड़ के ऊपर है तो डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर सरचार्ज बारह है फॉरन कंपनी के केस दौमस में पांच परसेंट है ये सर इतना याद कैसे मुझे याद है ना मैं कहीं देख थोड़ी रहा हूँ लिख रहा हूँ बस याद हो जाएगा यही वीडियो को दो चार बार सुन लेना सब याद हो जाएगा भाई मैं ह्यूमन हूँ मुझे याद है आपको भी याद हो जाएगा कोई बड़ी बात यह है नहीं ठीक है बस रिवीजन की ज़रूरत है और कुछ नहीं Uh, यहाँ तक हो गया फिर आपका जो भी सरचार्ज वगैरह है उसके ऊपर आपको क्या सेस लगाना पड़ेगा फिर एक रिबेट अंडर सेक्शन 87 आता है रिबेट का मतलब क्या होता है एक छूट होता है रिबेट का मतलब क्या है रिबेट मतलब छूट आपको बेनिफिट दिया जा रहा है रिबेट अंडर सेक्शन 87 सेवन ये क्या बोलता है देखो तीन चार कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करोगे तो आपको रिबेट मिलेगा पहला कंडीशन क्या है ध्यान से सुनो पहला कंडीशन है कि आप अगर इंडिविजुअल हो एच को भी नहीं मिलेगा सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा दूसरा आप इंडिया के रेजिडेंट हो तीसरा आपके इनकम पांच लाख से ज्यादा नहीं है अप टू फाइव है तो चौथा आपको रिबेट मिलेगा बारह हजार पांच सौ रुपया और जो भी आपका टैक्स आ रहा है दोनों में से लोअर अमाउंट ठीक है यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हम लोग ने किए थे क्लास में सरचार्ज हम लोग ने देख लिया मार्जिनल रिलीफ का यूट्यूब पे एक अच्छा वीडियो मैंने डाला हुआ है दस बारह पंद्रह मिनट में जिसमें बहुत अच्छे से यहाँ से आपको समझे नहीं समझे बहुत अच्छे से मार्जिनल रिलीफ को समझाया है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा देख लेना एक बार वापिस वही बोलूँगा टाइम वेस्ट होगा आपका भी मेरा भी फॉर्म के केस में सरचार्ज क्या होता है देख लिया सबका मार्जिनल रिलीफ एक्सप्लेन किया है तो यहाँ आपका स्टडी नोट वन खत्म होता है उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा रहेगा अच्छा लगा है तो भाई वही लाइक वगैरह कर देना लाइक से क्या होता है बेसिकली अभी मैंने एक अट्ठाईस घंटे का मैराथन डाला हुआ था सी ए इंटर का पूरा मॉड्यूल डाल दिया था करेक्ट है पर बहुत सारे लोग बाद में एग्ज़ाम के टाइम देख के ये बोल रहे थे कि सर अगर पहले पता चल जाता तो काफ़ी हेल्प हो जाती पता कैसे चलेगा जितने ज़्यादा लाइक होंगे यूट्यूब उतना प्रमोट करेगा ऑब्वियस ऑब्बियसली बात है तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगला लेक्चर में मैं स्टडी नोट टू ऐसे ही समझा दूंगा लाइन बाय लाइन आ, तो आपको हेल्प हो जाएगी अगर आपकी आपको अच्छे से करना है अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो इससे ज़्यादा आपको कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं है भाई हमें इतना नहीं मिलता था जब हम पढ़ते थे तो दिस इज़ एग्ज़ाम के लिए तो बहुत सही है भाई ठीक है चलो बाय बाय गॉड ब्लेस यू टेक केयर